हेलो दोस्तों, स्वागत है आप क्रिप्टो सर के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रम वर्सेस ऑप्टिमिज्म के बारे में। मैंने लास्ट दो वीडियो बनाए हैं, एक में बात करी है मैंने ऑप्टिमिज्म के बारे में, क्या होता है ऑप्टिमिज्म, और दूसरे में बताया क्या होता है आर्बिट्रम। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्बिट्रम वर्सेज ऑप्टिमिज्म, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज इथीरियम रोलअप्स। ये दोनों ही इथीरियम के रोलअप्स हैं। हम लोग जान चुके हैं इन दोनों के बारे में कि इथीरियम के रोलअप्स हैं, बट एक्चुअल में क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं बेसिकली इस चैनल पे फोकस करना चाहता हूँ और फोकस करता हूँ एक्चुअल टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल बैकग्राउंड के बारे में, पर्टिकुलर टोकन्स के बारे में, एज वेल एज जो इनके टोकन्स नहीं आए हैं उनके बारे में भी, बट वो बहुत अच्छे हैं अपने आप में, तो उनके बारे में ज़रूर बात करना पसंद करता हूँ। जिन लोगों ने दोनों वीडियो देखे हैं लास्ट मेरे, वो सब जानते हैं कि इन दोनों के अभी एक्चुअल में कोई टोकन नहीं आए हैं। ऑप्टिमिज्म का आने वाला है, प्लान है टोकन, आर्बिट्रम का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं और जो एक्चुअल में समझने में बिलीव रखते हैं टेक्नोलॉजी को, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर पेयर नॉलेज लेस इन्वेस्टमेंट, बट फोकस रखते हैं कि भाई समझें इस पूरे टेक को। सो समझते हैं इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है एक्चुअल में। सो बेसिकली हम दो वीडियो से पहले जान चुके हैं कि भाई इनको क्यों बनाया गया। बेसिकली इन दोनों का जन्म हुआ इथीरियम की स्केलेबिलिटी को ठीक करने के लिए। उसी के बारे में अब आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों हेल्प कर रहे हैं इथीरियम के ब्लॉकचेन को इन द लेयर टू ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस। हमारे साथ हम सबको पता है कि इथीरियम की हाई ट्रांजेक्शन फीस और लॉन्ग वेट टाइम का जो इशू है उसके साथ वो चलता आ रहा है। इसी वजह से ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम आया, जो कि आज के डेट में दो इथीरियम के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं। दोनों ही अच्छी स्केलेबिलिटी और अच्छी ट्रांजैक्शन स्पीड देते हैं। बेसिकली हुआ क्या, पिछले दो साल के अंदर डीफाई स्पेस के अंदर इतनी सारी डैब्स बनी इथीरियम के ऊपर, चाहे वो NFTs से रिलेटेड हों चाहे किसी और से रिलेटेड हों, सब के ऊपर बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी इथीरियम ने, और वही रीज़न है कि इथीरियम का प्राइस भी इतना ऊपर गया और वो इतना पॉपुलर भी और ज़्यादा हो गया इस मार्केट प्लेस के अंदर। बट द थिंग इज़ द प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज कि भाई इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड और ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। उसी को सॉल्व करने के लिए इथीरियम के ऊपर लेयर टू ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस बनाए गए, जिनका नाम था आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म, जो कि दोनों ही इसी मेन दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं वो इस चीज़ को, तो इसको समझने के लिए पहले समझना होगा रोलअप्स होते क्या हैं। तो जिनको नहीं पता लेयर वन क्या होता है और लेयर टू क्या होता है, मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ उस वीडियो को जिसमें मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है कि लेयर वन और लेयर टू क्या होते हैं, तो वो लोग उसमें जाके उसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो लेयर वन सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि लाइटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, एवलांच, टेरा, बाइनेंस एट्सेट्रा हैं, ये सारे लेयर वन हैं, ठीक है। फिर उनको उनके ऊपर बेसिकली लेयर टू क्यों आते हैं, लेयर टू होते हैं कि एक ब्लॉकचेन जो है ओरिजिनल वो है लेयर वन, अब उसके ऊपर लेयर टू एक लगाई गई जिसको जिसके अंदर दूसरा एक टोकन बनाया गया, दूसरा एक तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि उसके जो पहले लेयर वन के अंदर जो मेन ब्लॉकचेन है उसको हेल्प करेगा सॉलिडिफाई करने में, उसको सॉल्यूशंस देने में। बेसिकली यहाँ से आप समझ सकते हैं ब्लॉक जीरो B1 B2 BN दिखा रहा है यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे रोलअप्स क्रिएट हुए S1 S2 S3 जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं आगे ट्रांजेक्शन को एक बेटर एल्गोरिदम के हिसाब से चलाने में, पास ऑन करके, जो कि मेन इथीरियम की अपनी ओरिजिनल लेयर वन ब्लॉकचेन में काफ़ी प्रॉब्लम समझा। तो ये बात हो गई लेयर वन और लेयर टू की, जो कि मैं पहले भी एक स्पेसिफिक वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है Polkadot के ऊपर। Polkadot मेरा फेवरेट ब्लॉकचेन है, क्यों है वो भी बताऊंगा, बट उसका एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने ही मेंशन कर दिया खुद कि भाई वो लेयर जीरो ब्लॉकचेन है जो कि Polkadot कहलाती है। लेयर जीरो के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि लेयर जीरो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, बट जी हाँ करता है, उसका नाम Polkadot है। वो इकलौता ऐसा ब्लॉकचेन है जिसको लेयर जीरो पे रखा गया है, जो कि इथीरियम से भी नीचे के ऑर्डर पे आता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग कवर करूंगा। फिलहाल के लिए लेयर वन लेयर टू आर बेसिकली बनाए गए हैं जो लेयर वन को सपोर्ट करते हैं सारे लेयर टू के नेटवर्क्स। इनका सोल पर्पस जो होता है ऑफलोड ट्रैफिक फ्रॉम द मेन चेन ऑफ लेयर वन। लेयर वन की जो मेन ट्रैफिक होता है उसको लेयर टू पे शिफ्ट करना। बेसिकली आप इस तरीके समझिए, लेयर वन जो है कंजेस्टेड हाईवे है,
एंड देन लेयर टू प्रोटोकॉल्स नेटवर्क्स आर एडिशनली हाईवेज प्लग्ड इनटू देम। हुआ क्या है, ये मेन हमारा लेयर वन है, एडिशनली क्या करा गया कि ये लेयर टू ऐड कर दिया गया, जिससे कि क्या होगा, ऑफलोड किया थोड़ा सा ट्रैफिक इस लेयर वन का, लेयर टू पे ऑफलोड कर दिया गया, जिससे कि थोड़ी सी हेल्प मिली लेयर वन को। तो लेयर वन की हेल्प के लिए ही लेयर टू प्रोटोकॉल्स को बनाया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा इस पूरा फंडामेंटल, इसके पीछे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लेयर टू और लेयर वन का आपको इस एग्जांपल के ज़रिए से। और रोलअप्स के बारे में जो हमने ऊपर बात करी, क्या होते हैं रोलअप्स, रोलअप्स का मेन काम ही ये होता है कि वो कंजेशन हैंडलिंग, नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क के कंजेशन को हैंडल करते हैं। वो करते क्या हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इनटू वन वो रोल अप करते हैं, वो रोल कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बंडल अप करना या रोल अप करना कहेंगे इसको, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को एक के अंदर बंडल कर देते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद रिटर्न करते हैं वापस लेयर वन पे इन कॉन्पैक्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई रोलअप्स का जो काम है वो लेयर टू पे बनने के बाद ये होता है कि भाई वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रोल करके, कंबाइन करके एक साथ दूसरे ब्लॉक्स में भेजेंगे एंड देन फाइनली रिटर्न करेंगे लेयर वन पे इन द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर। और अगर इसको और आसान भाषा में समझें कि भाई उन्होंने क्या करा, फ्यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ कार्स इनटू वन व्हीकल, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी कार्स को मिक्स करके एक बड़ा सा जाइगेंटिक कंटेनर ट्रक बना दिया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं रोलअप्स का एक काम कर रहे हैं। तो बेसिकली रोलअप्स इज़ अ सेपरेट हाईवे ऑन द लेयर टू, जिसके अंदर ये छोटे छोटे कार्स को बड़े एक बंकर्स के अंदर बना के ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ मेन लेयर का काफ़ी ट्रैफिक ऑफलोड हो जाता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्चुअल में किस तरीके से काम हो रहा है। और इसी तरीके से आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म रोलअप्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं इथेरियम के कंजेशन को। तो अब बात कर लेते हैं कैसे वो सिमिलर हैं, सिमिलर कैसे हैं, रिमूव करते हैं बल्क ऑफ द मेन चेन ट्रैफिक टू ऑफ चेन लेयर टू, लेयर टू पे डालते हैं लेयर वन का ट्रैफिक, और उससे क्या होता है, बल्क जो हैवी बर्डन होता है वो लेयर वन का कम हो जाता है। मेन लेयर के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो लेयर वन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उससे इंटरेक्ट करते हैं विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स को करने में, जो कि ऑफ चेन ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, जिससे कि ऑफ चेन ट्रांजेक्शन्स को हेल्प मिलती है। वेरिफिकेशन पार्ट हमेशा से किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म सेम तरीके से काम करते हैं, जिसमें वो फ्रॉड प्रूफ रहते हैं। इंस्टेंटली फाइनैलिटी हो जाती है, मतलब इंस्टेंटली बहुत जल्दी हमारा ट्रांजेक्शन फाइनल हो जाता है। क्रॉस चेन ब्रिजेस भी करवाते हैं, मतलब हो जरूरी नहीं है आपका किसी एक पर्टिकुलर इथेरियम की चेन पे है तो उसी पे रहेगा, आप दूसरी क्रॉस चेन भी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन भी किया था कि ऑप्टिमिज्म के अंदर ब्रिजेस का ऑप्शन है, जहाँ से आप दूसरी एवलांच की, बीएनबी की, बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उनसे क्रॉस चेन भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो एक वो फीचर ऑप्टिमिज्म ने जो दिखाया था वही आर्बिट्रम के अंदर भी है, और ये एक बहुत अच्छा मेजर फीचर है, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन भी होती हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की, जिसके ऊपर हमारा टोटल वीडियो है। फ्रॉड प्रूफ जो वेरिफिकेशन है उसके अंदर क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट ऑप्टिमिज्म रोलअप्स यूजेस सिंगल राउंड फ्रॉड प्रूफ व्हाइल आर्बिट्रम यूजेस मल्टी राउंड फ्रॉड प्रूफ। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, होता क्या है, ऑप्टिमिज्म सिर्फ सिंगल राउंड करता है फ्रॉड्स को प्रूफ करने के लिए, और आर्बिट्रम क्या करता है, वो मल्टीपल राउंड्स करता है, एक नहीं करता है, काफ़ी सारे राउंड्स करता है फ्रॉड्स को प्रूफ चेक करने के लिए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, ऑप्टिमिज्म के अंदर जो सिंगल राउंड फ्रॉड प्रूफ मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली टोटली लेयर वन के ऊपर डिपेंडेंट करता है, जिससे कि लेयर टू के अंदर लेयर टू ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन इससे होता है क्या है, भाई ग्रेटर कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि वो लेयर वन से एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो ज़्यादा गैस फी लग जाती है, एंड द लेयर टू फी इटसेल्फ लिमिटेड बाय द L1 गैस ब्लॉक। तो बेसिकली वो L1 से लेयर वन पे जो फीस लग रही है उससे कहीं ना कहीं वो कंट्रोल्ड हो रहा होता है, इस वजह से थोड़ी सी ट्रांजेक्शन फीस जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। अब बात कर रहे हैं आर्बिट्रम के अंदर यूजेज अ फाइन कॉम्बिंग अप्रोच टू FP वेरिफिकेशन, ठीक है। फ्रॉड प्रूफ जो वेरिफिकेशन, जिसको FP वेरिफिकेशन कहा गया है, उसके अंदर क्या करता है, फाइन कॉम्बिंग कहा गया, मतलब काफ़ी फाइन तरीके से छांटता है, छांटाई करता है उसको, और उसमें होता है क्या है, मल्टी राउंड होते हैं, एक राउंड नहीं होता, बार बार छांटा जाता है उसको, एक बार नहीं हुआ कि बस क्लियर आउट हो गया, बार बार छांटा जाता है। आर्बिट्रम फोकस ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन डिसएग्रीमेंट, अगर एक भी ट्रांजेक्शन का डिसएग्रीमेंट हुआ है किसी सिंगल पॉइंट ऑफ प्रूफ के अंदर, तो उसको वो छांट लेता है और उसके ऊपर वो भी उसको फेल कर देगा। इन टर्न दिस ट्रांसलेट जो हायर नेटवर्क परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की काफ़ी अच्छी हो जाती है। लाइकवाइज
because L2 transactions are not entirely executed on L1, its gas block limit is renders irrelevant. क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी L1 के ऊपर नहीं है, तो ब्लॉक लिमिट की जो गैस है वो इरेलीवेंट हो जाती है इससे. ऑप्टिमिज्म की डिपेंडेंसी इथेरियम के ऊपर है. बोथ आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म आर ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स. ये ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स हैं दोनों, बिकॉज दे रिलाई ऑन मेजोरिटी ऑफ इथेरियम वैलिडेटर. जो इथेरियम पे वैलिडेटर्स बैठे होते हैं किसी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, उन्हीं पर ये दोनों ही डिपेंडेंट हैं. लेयर टू के जो दो सोल्यूशन है हमारे आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म, दोनों इथेरियम के वैलिडेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. फिर भी अब हो क्या रहा है, मैंने पहले ही बताया था ऑप्टिमिज्म यूज़ कर रहा है इथेरियम वर्चुअल मशीन कंसेंसस मैकेनिज्म. वहीं पर आर्बिट्रम क्या कर रहा है, उसका अपना है आर्बिट्रम वर्चुअल मशीन मैकेनिज्म, जिसके अंदर उसको अपने इस मैकेनिज्म पे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, EVM से AVM में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है डैप्स को यूज़ करके. देन द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक. उसके बाद वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है. दैट बेनिफिट इज़ टू बिग टू इग्नोर बिकॉज आर्बिट्रम हैज़ टोटल कंट्रोल. आर्बिट्रम के पास पूरा कंट्रोल रहता है, तो उसकी डिपेंडेंसी इस तरीके से EVMs के ऊपर या सैंडबॉक्स के ऊपर नहीं रहती है कंसेंसस रूल्स को लेके. ठीक है जी, तो यहाँ पे आर्बिट्रम लीड कर रहा है इस चीज़ के अंदर ऑप्टिमिज्म से. फर्दर मोर ऑप्टिमिज्म इज लिमिटेड टू सॉलिडिटी कंपाइलर फॉर OVM बाइट कोड. ऑप्टिमिज्म डिपेंडेंट है सॉलिडिटी के कंपाइलर. थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल लेके जा रहा हूँ, शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो समझना जो चाहते हैं उनके लिए है कि विदाउट गोइंग इन टू रीड्स बाइट कोड इज कम्पाइल टूगेदर डेर फ्रॉम सपोर्ट्स ऑल EVM. ऑप्टिमिज्म कर रहा था सॉलिडिटी कंपाइलर और वो बाइट कोड को लिमिटेड था, सिर्फ इसी से वो रिलेशन में रहता था. बट आर्बिट्रम के साथ ऐसा नहीं है. EVM प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वाइप, जैसे कि वाइपर है, सॉलिडिटी है, फ्लिंट है, यूल है, एल है एंड अदर्स है, इन सब के साथ आर्बिट्रम कंपैटिबल है और सपोर्ट करता है. ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है आर्बिट्रम की साइड से, और यही एक वन ऑफ द रीजंस भी हैं जो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आर्बिट्रम इतना सक्सेसफुल है ओवरऑल एज द बिगेस्ट लार्जेस्ट इथेरियम लेयर टू सॉल्यूशन के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. लास्टली, क्योंकि दोनों के ही मैंने बताया टोकन्स नहीं हैं अभी, ऑप्टिमिज्म फिलहाल यूज़ कर रहा है इथीरैप्ड इथेरियम वेथ जिसे कहते हैं. दिस इज एकिन टू स्टेबल कॉइन बैक टू इथेरियम इन 1:1 रेशियो. वेथ जो है रैप्ड इथेरियम कहा जाता है, वो बेसिकली इथेरियम की जो 1:1 वैल्यू से पैक्ड है, मतलब जो भी इथेरियम की वैल्यू होगी वो वेथ की वैल्यू होगी और उसमें उसके ट्रांजेक्शन होते हैं. अलाउिंग फॉर क्रॉस चेन ERC20 टोकन कंपैटिबिलिटी. जितने भी क्रॉस चेन ERC20 कंपैटिबल होंगे उनके साथ ये इंटरेक्ट कर लेता है. आर्बिट्रम हैज नेटिव इथेरियम सपोर्ट विदाउट नीडिंग सच एक्स्ट्रा स्टेप्स. आर्बिट्रम इथेरियम पे डायरेक्ट सपोर्ट देता है, इसको किसी भी रैप्ड इथेरियम की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक और प्लस है इसके साथ. सो इस पूरे के अंदर आपको 2 से 3 पॉइंट्स मिल गए होंगे अब तक, जिसके अंदर आपको दिखा होगा कि भाई किस तरीके से ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम बेटर है, और यही रीज़न भी है कि वो लार्जेस्ट सॉल्यूशन है लेयर टू के अंदर इथेरियम के लिए. इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कौन से सॉल्यूशन बेटर इथेरियम के लिए. नंबर 1 पे आर्बिट्रम टॉप कर रहा है फिलहाल, 3.39 वैल्यू बिलियन की वैल्यू लॉक्ड अभी दिखा रहा है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के अंदर. ठीक है, वहीं पर एक आता है DYDX जो Z के रोलअप पर काम करता है. 4th नंबर पे आ रहा है हमारा ऑप्टिमिज्म, नॉट बैड बट अच्छा है, और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कंपटीशन आर्बिट्रम वर्सेस ऑप्टिमिज्म में देखा जाए, क्योंकि ये दो काफ़ी ब्रॉडली एग्जीक्यूटेड रोल ऑफ सॉल्यूशंस हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पे. तो उम्मीद करता हूँ आपको भी, तो ये था मेरा एक प्रॉपर वीडियो शोकेसिंग डिफरेंसेस बिटवीन आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिसर्च वीडियो के साथ. टिल देन ख्याल रखिए आप सब अपना. Keep smiling, keep rocking. Thank you so much. Peace out.